गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव। आप सभी का हमारे विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और यह हमारा विनर्स इंस्टीट्यूट का यूपी चैनल। दोस्तों, इस यूपी चैनल में आपके अपने देवेंद्र सर, चाय वाले सर सुबह के आपको क्या पढ़ा रहे हैं या नून में भारत दर्शन, और भारत दर्शन की ये हमारी 17वीं क्लास है और 17 तारीख को ही है। व्हाट ए कोइंसिडेंट कि 17 नवंबर को 17वीं क्लास हमारे भारत दर्शन की। एंड आज हम आपके लिए लेके आए ओडिशा, ओडिशा को आज आपके लिए। तो नमस्ते, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। भाई मनीषा, अंजलि, रक्षा, रूपा, तनु, राहुल, संतोष, भागवती, शिवानी, ज्योति, मनीषा, सबका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम स्वीकार करें। और आशा करता हूं कि मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनते होंगे, लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पूरा ध्यान में उतारते होंगे, और हम आपको चित्र देख के कहानियां भी तो यही बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर, मतलब आज की हमारी भारत दर्शन की क्लास। यहाँ आपको उड़ीसा की संपूर्ण जानकारी हम प्रदान करेंगे। यहां से आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आप यहां मिल जाएगी आपको, पीडीएफ उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा को पुराने समय में उत्कल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्कल भी कहा जाता था, ठीक है। यहां गंग वंश का शासन रहा, यह भी याद रखेंगे, गंग वंश का शासन रहा। आपको ना कि गंग वंश नहीं बनवाए थे भैया यहां पर, ठीक है। हाँ, ब्लैक पेगोड़ा मंदिर, ठीक है, और अनंत वर्मन ने यहाँ जगन्नाथपुरी के मंदिरों का निर्माण करवाया, ये भी आपको याद रखना है। सबका स्वागत करता हूं, ठीक है, और लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दिया करें। उड़ीसा भारत के गरीब राज्य में आता है, सबसे ज्यादा गरीबों के जो प्रतिशत है वहां कहाँ आते हैं? उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा की खास बात है, यहाँ के सीएम नवीन पटनायक, उड़ीसा की खास बात क्या है, यहाँ के सीएम नवीन पटनायक, इसे उत्कल या इसको कहा जाता था कलिंग, आपको याद रखना है, इन्हें कलिंग के नाम से, उड़ीसा को किस नाम से जाना जाता था? कलिंग नाम से जाना जाता था। इसे मत्स्य प्रदेश, इसे आप महाभारत में अगर सुनेंगे तो मत्स्य प्रदेश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मत्स्य प्रदेश। महाभारत काल में इसका नाम क्या था? मत्स्य प्रदेश, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां ओण वंश का शासन रहा है, ओण वंश के शासन से इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों? उड़ीसा, ये आपको याद रखना, कलिंग। और कलिंग किसके लिए फेमस था दोस्तों? कलिंग फेमस था हाथी के लिए, हाथियों के लिए क्या फेमस था? कलिंग फेमस था, ये आपको याद रखना है, हाथियों के लिए कलिंग फेमस था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 अप्रैल को इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1936, ठीक है। कब रहा? 1 अप्रैल 1936 के इसके गठन की बात होती है, अलग करा गया था उड़ीसा को, आपको याद रखना है। राजधानी भुवनेश्वर है, राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, आपको याद रखना है, भुवनेश्वर क्या है इसकी राजधानी है, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ की विधानसभा सीटें जो है, यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करूंगा तो 147 है, मतलब कितने विधायक है हमारे उड़ीसा में? 147, कितने विधायक है? 147। और अगर मैं लोकसभा की बात करूं, लोकसभा की, यहाँ लोकसभा सांसद कितने बैठते हैं लोकसभा के? 21। और राज्यसभा की बात करूं, मैं यहां लिख देता हूं राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटें हैं 10, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीजें आपको समझना है। तो राज्यसभा कितनी है? 10, और लोकसभा कितनी है? 21, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। और हाई कोर्ट, अगर मैं उड़ीसा हाई कोर्ट की बात करूं दोस्तों, तो ये कटक में, कहां पर है? कटक में। उड़ीसा हाई कोर्ट क्या है? कटक में, ठीक है। ये है उड़ीसा, ये हमारा उड़ीसा, बहुत अच्छे से देख लीजिए उड़ीसा को दोस्तों। उड़ीसा की एक जगह लगती है वेस्ट बंगाल से, एक सीमा लगती है झारखंड से, एक सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से, और इधर नीचे ये सीमा लगती है आंध्र प्रदेश से। तो आपको याद रखना है कि इसकी सीमा
इसकी सीमा चार राज्यों से लगती, कितने राज्यों, चार राज्यों से लगी, कितने कितने राज्यों से लगती है सीमा, चार राज्यों से लगती है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना, कहाँ में लगती है, आंध्र प्रदेश में लगती है, ये आपको याद रखना है। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, क्लियर है, ये आपको याद है। लाइक एंड शेयर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर बनता है, याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। जिलों की संख्या देखें, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ऐसे मतलब आपको अगर मैं काउंट करूं तो यहां देख लीजिए इनमें जिलों की संख्या, ठीक है, आपको याद रखना है जिलों की संख्या कितनी, जल्दी बताइए, नंबरिंग करते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस उन्नीस उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और तीस। टोटल कितने हो गए, तीस जिले, कितने जिले बेटा इसमें, जिलों की संख्या कितनी है, जिले कितने हैं, थर्टी, कितने जिले हैं देख लीजिए आप, सो और थर्टी जिले हैं, ठीक है, थर्टी जिले आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मयूरभंज देखिए आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, तीस जिले में आपको याद रखना है मयूरभंज, मयूरभंज देख लीजिए, ये है मयूरभंज, मयूरभंज, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा दिख रहा है, मयूरभंज, आपको याद रखना है, कौन सा है बेटा, मयूरभंज। ठीक है, याद ले जाएगा, ठीक है, मयूरभंज बेटा, देखो मयूरभंज सबसे छोटा जिला, देखिए सबसे छोटा, एकदम ही छोटा जिला कौन सा है, देखिए आपको सबसे छोटा जिला दिख रहा है जगदीश, देखिए ये जगत सिंहपुर, कौन सा दिख रहा है, जगत सिंहपुर दिख रहा है आपको, देख लीजिए जगत सिंहपुर सबसे छोटा दिख रहा है बेटा, जगत सिंहपुर सबसे छोटा दिख रहा है बेटा, बेटा उसमें 26 में से 13 लेके आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, पुराने नहीं, सिर्फ सीमांत वाले काउंट करोगे तो कितने जिले हैं बेटा आंध्र प्रदेश में, 13, पुराने वाले आंध्र प्रदेश की थोड़ी बात करना बेटा, जगदीशपुर मिला। अब दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, ये उड़ीसा का नेचुरल मैप है, ये उड़ीसा का क्या है, नेचुरल मैप, और जब आप उड़ीसा का नेचुरल मैप देखते हैं तो आपको दिखती है महेंद्रगिरी, क्या दिखती है बेटा, महेंद्रगिरी, ध्यान दीजिए महेंद्रगिरी दिखती है, दिख रही है महेंद्रगिरी, ये 1501 मीटर ऊंची है, और आपको यहां पर एक और मिलेगी देवड़ी मुंडा, देवड़ी मुंडा यहां आपको मिलेगी देवड़ी, जो महेंद्रगिरी से भी ऊपर है 1594 मीटर के आसपास है, ठीक है, देवड़ी मुंडा, महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा, विशाखापट्टनम चोटी, ये सब आपको याद रखना, यही आसपास मिलेगी, आंध्र के ठीक ऊपर मिलता है आपको, आपको याद रखना है, इसकी मुख्य नदी है महानदी, क्या आती है बेटा, महानदी, और महानदी पर ही, महानदी पर ही बनता है सबसे चौड़ा डैम, क्या नाम है, हीरा, हीरा कुंड बांध, हीरा कुंड बांध आपको याद रखना है दोस्तों, हीरा कुंड बांध जो है महानदी पर बनने वाला सबसे चौड़ा बांध है, आपको याद रखना, महानदी, महानदी मुख्य नदी है हमारे उड़ीसा की, महानदी, तय नदी और ब्रह्माणी, तो इनमें आपको ब्रह्माणी जो है आपको यहाँ की मुख्य नदी मिलेगा, तय नदी, तय तय कहा जाता है, तय नदी, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, तो ये बहुत शानदार आपको बता रहा हूं, ब्रह्माणी, महानदी और तय, ये मेन नदियों में से एक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और संभलपुर जो आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा, तो
संभल, संभलपुर कहां आता है? उड़ीसा में आता है, आपको याद रखना है। और यहां है चिल्का, चिल्का लेक, क्या आती है बेटा? चिल्का लेक, आपको याद रखना है चिल्का लेक। चिल्का लेक सबसे बड़ी झील है भारत की, ठीक है, ये याद रखेंगे। महानदी पर बनता है हीरा, ठीक है, हीरा क्या होता है? हीरा महान होता है, हीरा क्या है? हीरा महान है, तो महानदी पर हीरा कुंड, महानदी पर हीरा कुंड, हीरा कैसा रहेगा? हीरा महान, हीरा जो पहनेगा वो महान होगा, ठीक है। देवरी माला, देवरी मुंडा कहते हैं बेटा, बहुत ऊंची है यार यहाँ, ठीक है। ये है महेंद्रगिरी। अब आगे बढ़ते हैं आप लोग से। उड़ीसा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के ओड़ विषय से, ओड़ देश से हुई है, ओड वंश, मैंने बताया था ना, ओड़ वंश के राजा ओड़ ने इसे बसाया था। यहां पर पाली और संस्कृत दोनों भाषा बोली जाती थी, ये याद रखेंगे भाई। ओड़ विषय, संस्कृत में ओड़ का मतलब होता है किनारा, और ओड़ वंश ने बसाया। कलिंग, उत्कल, उत्कल रात, छेदी, मत्स्य, ये आपको याद रखना है। ये अलग अलग नाम है हमारे उड़ीसा के अलग अलग क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है। 1 अप्रैल राज्य का दर्जा कब मिला उड़ीसा को? 1 अप्रैल ठीक है बेटा। भुवनेश्वर जिले 30, मयूरभंज, मयूरभंज आपको बताया, मयूरभंज सबसे बड़ा, ठीक है। और उत्कल, बंदे उत्कल जननी कहा जाता है बेटा। इस क्लास को स्टार्ट हुए ये हमने कुछ लगभग लगभग एक महीना हो गया होगा, लगभग एक महीना। ये यूट्यूब पर पहली बार कोई इंस्टीट्यूट या कोई टीचर भारत दर्शन करवा रहा है, तो ये आपके विनर्स इंस्टीट्यूट पे पहली बार देवेंद्र सर करवा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा बस एक बार में सारा। जनसंख्या कितनी है? लगभग 4.5 करोड़ या 4.25 करोड़, ये इतने करोड़, 4 करोड़ 19 लाख क्या है जनसंख्या। घनत्व कितना है? 269। उड़ीसा का घनत्व कितना है? 269। साक्षरता देखिए आप यहाँ 73.5% के आसपास क्या है साक्षरता। पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं, उड़िया भाषा चलती है, क्या चलती है? उड़िया भाषा। समुद्र तट की लंबाई देखिए 500 किलोमीटर, समुद्र तट कितना लगा है 500 किलोमीटर, यही मिलेगा पीडीएफ। लिंग अनुपात देखिए, लिंग अनुपात मध्य प्रदेश से अच्छा लिंग अनुपात लेके बैठे हैं, 978,000 पुरुषों पर कितने महिलाएं, 978। तो ये आईएमपी चीज है किसी भी राज्य की, ये आपको याद होने चाहिए। लगभग 4 करोड़ के आसपास है, पर हाँ भारत का गरीबी राज्य, गरीबी प्रतिशत यहां सबसे ज्यादा, प्रतिशत में गरीबी सबसे ज्यादा कहां आती है दोस्तों? उड़ीसा में आती है, आपको याद रखना है। याद रह जाएगा 2978, ये याद रखिएगा, एक एक चीज आपको याद रखना है। तो आपको क्लास डेली अटेंड करना है, दिन में सोते हुए को जगा रहे हैं हम, और यहां से हम नींद से नहीं जगा रहे, हम विचारों में भी जागरण ला रहे हैं। 1 बजे और 3 बजे की दोपहर की क्लासेस है मेरी, ठीक है। विधानमंडल 1 सदनीय, 147 सीट, बता चुका था शुरू में। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, और हाईकोर्ट कहां मिलती है इसकी? कटक में। हाईकोर्ट कहां मिलेगी? कटक में मिलेगी आपको। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा भाई, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अच्छा अरे सुबह करंट अफेयर उसके पढ़ा देता हूं, चलिए ठीक है जी, तू सब कुछ यहीं पर ले लो, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, जनसंख्या अगर मैं जनसंख्या कह रहा हूं तो खोरदा, खोरदा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है। सीमा किस किस से लगती है? झारखंड, उत्तर में हो झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश आपको जानना है, और छत्तीसगढ़। तो कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य लगते हैं। उड़ीसा के उत्तर में झारखंड, पूर्व उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ हमारा उड़ीसा। नहीं नहीं बेटा, सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या, समझ रहे हैं आप, उसमें अंतर आ जाएगा। बिहार में
चलिए राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल, वर्तमान की बात करें तो कौन है भैया गणेशी लाल और नवीन पटनायक, नन अदर देन नवीन पटनायक। लगातार पांच बार, लगातार कितने पांच बार, एक बार गद्दी पे बैठे 2000 से, तब से यही आसन नहीं इस पद पर, और इनका जवाब नहीं दिया। सबसे कम पढ़े लिखे, आपको सबसे कम पढ़े लिखे कहां मिलेंगे, सबसे कम पढ़े लिखे बिहार में मिलेंगे। गरीबी जो पिछड़े राज्यों में आता है ना बेटा, उसमें बिहार से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ हमारा उड़ीसा आता है, ठीक है। एसएससी जीडी 799 में आपको मिलेगा एसएससी जीडी, फिर आपको ये कोर्स सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उड़ीसा के प्रतीकों पे चलते हैं कि उड़ीसा में कौन सा चिन्ह किस लिए फेमस है। चलो देखते हैं क्या खास है उड़ीसा की बात में। राजकीय पक्षी भारतीय रोलर, इसे कोरासिया बोंगालेसिस कहा जाता है। देखिए चिड़िया बड़ी अच्छी लग रही है, भारतीय रोलर कहा जाता है, और सांबर हिरण यहाँ का राजकीय पशु है। तो ये आपके सामने पक्षी और पशु दोनों आपके सामने हम लेके आए हैं, पक्षी और पशु, ठीक है। तो सर्वस यूनिकॉलर, तो सर्वस यूनिकॉलर आपको मिलेगा पशु के रूप में, और पक्षी के रूप में मिलेगा आपको राजकीय पक्षी भारतीय रोलर। हाँ बिरसा मुंडा भी बनाया ना, हालांकि यहां तो आपको दूसरे स्टेट में बताऊंगा जो बहुत फेमस है, अशोक सरका अशोक राजकीय फूल है, अलग प्रकार का फूल है जो उड़ीसा क्षेत्र में खिलता है, और अंजीर का पेड़ यहाँ का राजकीय पेड़ है। अंजीर, अंजीर जो आप देखते हैं ना, अंजीर, अंजीर खाई होगी तो अंजीर का पेड़ ऐसा होता है जिन्होंने नहीं देखा, तो ये है अंजीर का पेड़ बेटा। लाइक एंड शेयर करना है भाई, मैंने बोला था सुबह वाली क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ा करो। अगर भारत घूमना है घर बैठे सारे राज्यों के दर्शन, इसकी पूरी लिस्ट बनी है बेटा भारत दर्शन की, पूरी लिस्ट में आप सारे राज्य देख सकते हैं। अभी आएंगे अपन उदयगिरी खंडगिरी प्राचीन गुफाएं यहां पर, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, ठीक है। राज्य सरीसृप, खारे पानी के मगरमच्छ, और खारे पानी के मगरमच्छ मीठे पानी के मगरमच्छ से बड़े होते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइलस पोरस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रोकोडाइलस पोरस, ठीक है, तो आपको याद रखना है। राज्य सील क्या मिलेगा, राज्य सील में आपको मिलेगा कोणार्क सूर्य मंदिर, घोड़े का प्रतिनिधित्व करता हुआ, क्या दिखेगा आपको, एक घोड़े का प्रतिनिधित्व करता हुआ कोणार्क सूर्य मंदिर, आपको घोड़ा और इंसान उसमें दोनों दिख रहे हैं, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर, ठीक है। तो ये आपको उड़ीसा का राष्ट्र मतलब राजकीय चिन्ह है। अच्छा खारे पानी के मगरमच्छ मीठे पानी के मगरमच्छ से या नदी के पानी के मगरमच्छ से बड़े क्यों होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा खारे पानी से चीजें फूल जाती हैं, जैसे नमकीन दाना मूंगफली का नॉर्मल दाना और नमकीन दाने में आप अंतर देखिएगा, मूंगफली का नॉर्मल दाना सुखड़ा रहता है पतला, और जब नमक वाला दाने की बात करते हैं उसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था एसएससी में कि नदी में से अगर कोई मछली समुद्र में जाती है तो उसके आकार में क्या परिवर्तन आएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। कोई भी नदी की वस्तु अगर समुद्र में जाएगी तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जीवित वस्तु, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, ठीक है। यहीं पर बहुत फेमस स्टेडियम है कलिंग स्टेडियम, कलिंग कलिंग स्टेडियम, ये सभी को मालूम है स्टेडियम, कलिंग स्टेडियम काफी फेमस है भाई। कई बार तो हॉकी के जो मेन टूर्नामेंट होते हैं हम उड़ीसा में ही करवाते हैं, उड़ीसा इज वेल नोन फॉर हिट्स हॉकी, हॉकी बहुत फेमस है उड़ीसा में, ठीक है। नृत्य है ओडिसी, महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ओडिसी। ठीक है श्री जगन्नाथ टेम्पल, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन गंग वंश के द्वारा बनवाया गया जगन्नाथपुरी, चार धाम में से एक है, ठीक है जगन्नाथपुरी, जय जगन्नाथ। देखिए कौन सी टेक्निक दिख रही है मंदिर की, बेसर शैली में बना है, कौन सी शैली में बना है दोस्तों, बेसर शैली, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। यहां पर आपको कौन कौन मिलेंगे, कृष्ण भगवान, कौन मिलेंगे,
कृष्ण भगवान मिलेंगे, बलराम मिलेंगे और सुभद्रा मिलेगी। सुभद्रा तो आपको याद रखना है, दो भाई और एक बहन, तीनों भाई बहन आपको कहां मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, आपको याद रखना है। जय जगन्नाथ भैया, जय जगन्नाथ। घर बैठे एक तीर्थ आपका करवा दिया हमने, घर बैठे आपका तीर्थ करवा दिया। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब आपको देखिए, जय जगन्नाथ, तो जगन्नाथ काय के लिए फेमस है, रथ यात्रा के लिए। काय के लिए फेमस है, रथ यात्रा के लिए। तो ये तीन रथ बनाए जाते हैं, कृष्ण भगवान का रथ होता है, बलराम जी का होता है, सुभद्रा बहन सुभद्रा का होता है, और ये भारत की सबसे पवित्र रथ यात्रा मानी जाती है। ये देख लिए, इतने लोग इसमें आते हैं। जय जगन्नाथ भैया, ठीक है। हाँ बिल्कुल अनन्या, अभी अपन बात कर लेते हैं आदित्य सर से और सभी को ले चलेंगे, ठीक है। रथ यात्रा, ये आपको याद रखना, रथ यात्रा। आगे बढ़ते हैं, ये है उदयगिरी और खंडगिरी की। तो खंडागिरी की केव और उदयगिरी की केव कहां मिलेगी, उड़ीसा में। मोटे मोटे तौर पर एसएससी में तो पूछा ही गया है, एसएससी में दो तीन बार आया है कि उदयगिरी और खांडव या खंडागिरी की कहां है, गंग वंश के समय बनी थी ये, गंग वंश के समय बनी थी, ठीक है, उड़ीसा की। उदयगिरी की गुफा, ठीक है। अब आपको बोल सकते कि यहां क्या था सर, यहां बौद्ध धर्म था। क्या था, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म पर आधारित। इस पे भेज देती दोस्तों, बौद्ध धर्म पर फेमस, किस पे भेज देती, बौद्ध धर्म पे। खंडगिरी या खांडवगिरी कहा जाता है, ठीक है। हर भाई दो साल से रथ यात्रा नहीं निकली थी, मगर इस बार रथ यात्रा निकली और वो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कहीं कल ही मैं न्यूज देख रहा था भाई, हमारे वहां पर्यटन विभाग एकदम से एक्टिव हुआ है, और पर्यटन विभाग एक्टिव हुआ, हमारे महाकाल को ही देख लो आप, हमारे यूएमपी में महाकाल लोक बना, जहां पर आने वाले संख्या जो सितंबर महीने में आए थे उनसे तीन गुना ज्यादा अक्टूबर महीने में लोग आए हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई बहुत आईएमपी है सारी चीजें, ठीक है। अगर आपको पूछे किसके पास बनी है, तो ये पुष्पगिरी, पुष्पगिरी का ही भाग है, पुष्पगिरी का भाग है, ये आपको याद ना, पुष्पगिरी। और पुष्पगिरी जैन मंदिर के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, जैनियों के लिए। तो पुष्पगिरी विहार से ही है, ठीक है। पुष्पगिरी, रत्नागिरी, पुष्पगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, खांडवगिरी, ये सब आपको उड़ीसा में ही मिलेंगी, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भाई अपने आप में बहुत शानदार कला का उदाहरण है, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां आपको पहिए कितने मिलेंगे, 12। 12 क्या मिलते हैं, पहिए मिलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, एक तरह का ये रथ मंदिर है, क्या है ये, रथ मंदिर है, सूर्य भगवान को समर्पित। इसे ब्लैक ब्लैक पेगोड़ा कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक पेगोड़ा। पेगोड़ा का मतलब होता है कोना। गंग वंश के किस राजा ने बनवाया, गंग वंश के किस राजा ने बनवाया, गंग वंश के किस राजा ने बनवाया, जल्दी बताइए। सूर्य मंदिर भाई, आप देखिए रथ देख लीजिए, एक दो तीन और फिर उस तरफ तीन, फिर उस तरफ, इस तरह से 12 रथ मंदिर है, चारों दिशाओं में आपको मिलेंगे, 3 चौक 12 इस तरह से, ठीक है। जल्दी बताइए, ब्लैक पेगोड़ा, पेगोड़ा का मतलब होता है कोना, मतलब भटके हुए को राह दिखाने वाला कौन है, ब्लैक पेगोड़ा, पेगोड़ा का मतलब। और नरसिंह वर्मन, बिल्कुल सही, किसने बनवाया, नरसिंह वर्मन, ठीक है। गंग वंश के राजा कौन थे, नरसिंह वर्मन, और उधर कौन थे, अनंत वर्मन, उधर कौन थे, अनंत वर्मन, ठीक है। मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर, ठीक है, मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर,
मुक्तेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये भी गंग वंश के द्वारा बनवाया गया। और ये भी देखिए कैसी शैली में बना है, ये कैसी शैली में बना है, ये बेसर शैली, कैसी शैली में बना है बेटा, बेसर शैली में बना है, आपको मिलेगा मुक्तेश्वर टेम्पल मंदिर, ठीक है, डुडुमा, डुडुमा वो आपको मिलेंगे, ठीक है, मुक्तेश्वर, ठीक है, मुक्तेश्वर नहीं बेटा, ये मुक्तेश्वर जो ये टेम्पल है ये आपको हिंदू कला पर मतलब सनातन धर्म पर हिंदू धर्म मुक्तेश्वर, ठीक है, ये शिव टेम्पल है, क्या है, शिव टेम्पल है, शिव मंदिर है मुक्तेश्वर, ठीक है, बेहतर शैली आपको याद रखना है, शैली याद रखिएगा बेटा, तीन प्रकार की भारत में शैली होती है, एक होती नागर, एक होती द्रविड़, एक होती बेसर, बेसर में आपको ऐसी स्टेप्स मिलेंगी, नागर में आपको बेस से ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, और द्रविड़ में आपको एक कन्या पैर मोड़कर बैठी है इस तरह से कैरिडोर वाले मिलेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जय उड़ीसा, जय जगन्नाथ, ठीक है, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, देखिए टेम्पलों की जो कलाकृतियां वो देखिए, ब्रह्मेश्वर टेम्पल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मेश्वर टेम्पल ये आपको कहां मिलेगा, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में मिलेगा दोस्तों, और ये हिंदू धर्म को समर्पित है, हिंदू धर्म को समर्पित है, हिंदू धर्म, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, देखिए पानी में आकृति दिख रही है, पंचायन शैली बताइए ना, पंचायन शैली मतलब एक बीच में और आसपास चार, तो इस तरफ से पंचायन शैली होती है, हालांकि मेन शैली में काउंट नहीं किया जाता, पर फिर भी आपको बता दूं, ठीक है, कब बना था ये, ग्यारहवीं शैली में, ग्यारहवीं शताब्दी में बनाया गया था गंग वंश के राजाओं ने, बहुत समय लगा था इसको बनाने में भी, ठीक है, अब आता है सिंपली पाल नेशनल पार्क, बहुत आईएमपी है सिंपली पाल भाई, राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व से जोड़ा गया है इसको, राष्ट्रीय उद्यान है सिंपली पाल नेशनल पार्क, वेलकम टू सिंपली पाल, सिंपली पाल आपको याद रखना है, भीतर कर्णिका सिंपली पाल ये आपको याद रखना है, ये सब कहां मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको उड़ीसा में, ठीक है, ये याद रख लेना। अगला देखते हैं, ये देखिए टीकरपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टीकरपाड़ा ये चीतल दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं, चीतल हिरण जिनको चट्टे बने रहते हैं, और ये आपको पूर्वी तट से लगा हुआ मिलेगा, बाघ और बाघ के बच्चे को निहारते हुए हमारी मासूम जनता, एक बार तो कसम से इनको वापिस से उधर पीछे भगा दो तो मासूम जनता मासूम नहीं रहेगी, भीतर कन्निका भी आता है, अभी आएगा उसको भी लेके आएंगे अपन, सारे बच्चे घूम रहे सोच रहे होंगे आगे बढ़े अरे तो क्यों नहीं बहेगा, झरना क्यों नहीं बहेगा, ठीक है, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, ये भी पूछा जाता है, नंदन कानन व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है, नंदन कानन ठीक है, तो नंदन कानन आपको कहां मिलेगा, नंदन कानन आपको मिलेगा, ये बनाया गया था 1960 में, नंदन कानन व्हाइट टाइगर के लिए ये भी फेमस है, यहां पर भी व्हाइट टाइगर देखे जाते हैं, ठीक है ठीक है, बेचारे छोटे छोटे से शेर के बच्चे थे, निहार रहे थे, ऑलिव रिडले आऊंगा ना, मैंने कई बार सुबह बताया तो है सालू कि ऑलिव रिडले यहां पर मिलने वाले छोटे छोटे कछुओं के नाम है, एक विशेष प्रकार की प्रजाति पाई जाती है उड़ीसा के तट पर, ऑलिव रिडले, और ये क्या है, ये भारत में कहीं नहीं मिलेंगे, ये प्रजनन के लिए यहां आते हैं छोटे छोटे से कछुए, ठीक है, चलिए नंदन कानन याद रखेंगे। अगला आ रहा है लिंगराज टेम्पल, ये बहुत बढ़िया टेम्पल है यार, लिंगराज ये भारत का सबसे बड़ा लिंगराज टेम्पल है,
भुवनेश्वर में मिलेगा आपको। कहां मिलेगा ये? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में मिलता है, भुवनेश्वर। आपको मालूम है लिंगराज मतलब शिव जी को ही पूजा जाता है, ये शिव धर्म पे शिव टेम्पल है। आपको क्या मिलेगा? शिव टेम्पल में। और ये बेसर टेक्निक पर बना है। किस पर बना है? बेसर शैली पर बना है। आपको याद रखना है लिंगराज टेम्पल, बहुत सुंदर है भैया, लिंगराज टेम्पल आपको याद रखना है। लिंगराज शिवा नोन एज लिंगराज, ये आपको याद रखना है। शिव जी को क्या कहते हैं? लिंगराज कहते हैं, आपको याद रखना है। पार्वती जी ने, आपको याद रखना, पार्वती जी ने माना जाता है कि पार्वती जी ने लिंग की स्थापना की थी। यहां लिंग की स्थापना कर उसे पूजा मतलब उसकी स्थापना करी लिंगराज टेम्पल। इसको कलिंग शैली में बनाया गया, कलिंग शैली ये भी कहा जाता है। कलिंग शैली का सबसे बढ़िया उदाहरण है, कलिंग वंश के राजाओं ने इसे बनाया, बहुत आईएमपी है, ठीक है, बहुत आईएमपी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आता है कटक। कटक में ये जो दिख रही है ये है हाई कोर्ट। ये क्या है? कटक में हाई कोर्ट है उड़ीसा की, उड़ीसा कटक। कटक में आपको स्टेडियम में मिलेगा बाराबंती, है ना, आपको यहाँ स्टेडियम मिलता है बाराबंती, है ना, बाराबत्ती भी बोलते हैं, बाराबंती, जो दो पर्पस पे यूज होता है। क्रिकेट भी खेल लो इधर, क्रिकेट मैचेस भी होते हैं, और इधर फुटबॉल भी खेल लो दो, तो बाराबंती, बाराबंती आपने सुना होगा, बाराबंती कटक में भी होता है, यहाँ क्रिकेट भी खेल लो फुटबॉल भी खेल लो। लाइक एंड शेयर करते चलो भैया, लाइक एंड शेयर। हाँ, कटक में आपको बिल्कुल मिलेगा भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारत चावल अनुसंधान केंद्र। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा? कटक, भारत का अनुसंधान केंद्र चावल का कटक में, विश्व का मनीला में, मध्य प्रदेश का हमारे बड़वानी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, ये देखिए बाराबंती या बाराबंती कहा जाता है, क्रिकेट स्टेडियम, एक मैच का शॉट डाला है हमने, अच्छा स्टेडियम है, लुक नाइस, ठीक है, उड़ीसा, यहाँ क्रिकेट भी होता है, क्रिकेट के लिए तो है, क्रिकेट के लिए भी है, और आपको याद रखना क्रिकेट के अलावा यहाँ पर फुटबॉल भी करवा लेते हैं, मल्टीपर्पस। ये कहाँ आएगा? कटक, कटक जाती तो है भारतीय टीम। फिर आता है कलिंग स्टेडियम, वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम फॉर हॉकी, काय के लिए है ये? हॉकी के लिए, याद रखना ये काय के लिए, ये याद रखना हॉकी के लिए है, भुवनेश्वर में ये हॉकी, हॉकी के लिए है, और ये हॉकी के लिए बना है भुवनेश्वर में। कहां बना है? भुवनेश्वर में, बढ़िया शानदार बना है हॉकी स्टेडियम है, काफी मल्टीपर्पज यूज हो जाता है, पर हॉकी ही होती है यहाँ कलिंग स्टेडियम, ठीक है। बेटा अभी वहां पर शुरुआत कहां हुई? ये तो बना है, बन रहा है बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का, ठीक है, और ये आपको हॉकी का कलिंग स्टेडियम। फिर आता है महेंद्र गिरी, ये आपको बताया था ना मैंने, 1501 मीटर महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी कहां मिलेगी आपको? पूर्वी घाट पर। कहां मिलेगी दोस्तों? पूर्वी घाट पर आपको ये मिलेगी। कहां मिलेगी? पूर्वी घाट पर, आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। देनाली, देनाली माउंटेन्स कहा जाता है देनाली, ठीक है, पर आप ठीक है माउंटेन्स, ये भी पूर्वी घाट का ही एक हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। अगला देखिए चिल्का लेक, चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी झील,
इतना ही नहीं, सबसे बड़ी खारी झील भी है, बड़ी खारी झील भी है, खारी झील, दोनों में अंतर है ना। एक तो खारी झील में भी सबसे बड़ी है और नॉर्मल में भी सबसे बड़ी, आपको याद रखना है। मीठे पानी की वूलर है, सबसे खारी झील सांभर है, ये सब याद रखना। हाँ भारत में भाई, भारत में हमने जो रामसर, रामसर की शुरुआत करी, रामसर, रामसर पहली रामसर जो साइट बनी थी इधर से चालू हुई थी, चिल्का लेक से, आपको याद रखना है। और चिल्का लेक अपने आप में कैसे बनती है, इसको अनूप झील बोलते हैं। ये क्या है, अनूप झील याद रखना, अनूप झील कहा जाता है। अनूप मतलब जिसका निर्माण लैगून से हुआ है, ठीक है, अनूप मतलब जिसका निर्माण किससे हुआ है, लैगून से हुआ है, आपको याद रखना। इसका निर्माण कैसे होता है, लैगून से, ठीक है। चांदीपुर बीच, ये भी आपको कहां मिलेगा, उड़ीसा में, उड़ीसा का तट इतना फेमस है, नाम क्या है, चांदीपुर बीच। देखिए आप, अकेली नाव, रेत और ढलता सूरज या उगता हुआ सूरज, देख लीजिए, बहुत बढ़िया दृश्य है। और यहाँ पर चाय पिए बैठ के तो और बढ़िया लगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आता है, ठीक है। धारिंग बाड़ी वाटरफॉल या ध्रिंग बड़ी वाटरफॉल कहा जाता है, उड़ीसा में मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट आपको देंगे। खंडार धार, ठीक है, या खंड धारा कहा जाता है वाटरफॉल, ये भी कहा है उड़ीसा में। चित्र देखते चलिए, अच्छे अच्छे चित्र। पारादीप पोर्ट, अब इसका आपको मालूम है, पारादीप जो आइलैंड, इसका नाम अब एपीजे अब्दुल कलाम हो गया है, ठीक है। पारादीप का नया नाम क्या हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए सारे कंटेनर्स, पारादीप पोर्ट काफी फेमस है। राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला जर्मनी की मदद से डाला गया था, ये जर्मनी के सहयोग से स्टील प्लांट डाला था, जर्मनी के देश से क्या था, स्टील प्लांट कब डाले गए थे, ये सेकेंड पंचवर्षीय, सेकेंड फाइव ईयर प्लान, ठीक है, 1956, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला। अब ये देखिए ऑलिव रिडले, ये कछुए का नाम है ना, ऑलिव रिडले, एक विशेष प्रकार का कछुआ आपको यहाँ मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा, भीतरकर्णिका नेशनल पार्क, क्या आंसर आएगा, भीतरकर्णिका। तो भीतरकर्णिका अपने ऑलिव रिडले के, और ये मगरमच्छ के लिए, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। एक दूसरे को ही देख रहे हैं, ये लग रहा है मासूम, वो लग रहा है खूंखार। हाँ मतलब सीआई सेंट्रल जो आपकी फोर्सेस है, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल सही। लाइक करते चले आगे बढ़ते हैं। महानदी, मैंने बताया था ना, महानदी पर क्या बना है, हीरा कुंड बांध बना है, आपको याद क्या बना है, हीरा कुंड बांध, महानदी जो शिवाहापाड़ी छत्तीसगढ़ से, देखिए हीरा कुंड कितना लंबा है भाई, बहुत ही, लगभग 43 किलोमीटर लंबा है, पता नहीं कितना लंबा है, 43 किलोमीटर तक लंबा है। वो जो मेन नदी का पार्ट है वो तो बहुत छोटा ही है, वो तो मेन तो वो 1.5 किलोमीटर का ही होगा, बाकी इसकी लंबाई बहुत है, बहुत ही चौड़ा बना के रखा है, पूरा डेल्टा ही कवर कर लिया, पूरे डेल्टा पर बना है, ठीक है। मां संबलपुर टेम्पल उड़ीसा, संबलपुर में ही है, संबलपुर के लिए भी लड़ाई हुई थी भैया, संबलपुर में ही है मां संबलपुर टेम्पल, तो ये संबलपुर में ही आएगा, ये और कहीं नहीं है, संबलपुर उड़ीसा में ही जिला है। उड़ीसा स्टेट म्यूजियम भुवनेश्वर, अलग अलग कलाकृतियां जो कलिंग वॉर से लेकर गंग वंश तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सतकोशिया क्या नाम है, सतकोशिया, कितना बढ़िया पिक्चर लगाया, इधर ही घूम घूर रहा है भैया, सतकोशिया, तुझे नहीं कुछ करेंगे हम,
गुण तो ऐसे ना सतकोसिया। बहुत बढ़िया, भगवान की बड़ी अच्छी देन है भैया ये, बस जितना दूर रहे उतना ही बेटर है। ठीक है ठीक है। चंद्रधाका एलिफेंट सेंचुरी, एक्चुअली कलिंग वॉज फेमस फॉर वेरी डिलाइटफुल एलिमेंट्स भाई। इली में आपका अगर कहीं आपका जो बहुत अच्छा एक एलिमेंट बोलू तो कलिंग का एक मोस्ट एलिमेंट होता था वहां के एलिफेंट, तो एलिफेंट के लिए कलिंग वॉज वेरी फेमस भाई। अशोक ने, मैं अगर आपको बताऊं, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण हाथियों के लिए करा था, हाथियों के लिए ही करा था कलिंग पर आक्रमण हाथियों के लिए। हाथी की सुंदरता बहुत फेमस है यहां पर। ठीक, अब चलते हैं, अब आएगा मजा, चलो खेलें कौन बनेगा होशियार। ठीक है तो एमसीक्यू करते हैं फटाफट, कौन बनेगा होशियार, चलिए बताइए दोस्तों। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, राजेंद्र साहब, ठाकुर साहब, जमीर या गणेशी लाल। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ उड़ीसा, जल्दी बताइए। सिंपल है, जल्दी बताइए, सिंपल है। इसका मतलब है आंसर है गणेशी लाल। और सीएम कौन है, नवीन पटनायक साहब। उड़ीसा राज्य का पशु कौन सा था, अभी बताया था, राज्य पशु कौन सा है, सांभर, ब्लैक बक, हंगुल या भारतीय हाथी, कौन सा बताया था। अभी हाल मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा का राजकीय पशु, ठीक है, स्टेट एनिमल ऑफ उड़ीसा। चलिए लगातार लाइक एंड शेयर करते चले, शेयर भी करते रिया करो ज्यादा बेटर है। क्या नाम बताया था, ए सांभर। ठीक है, उड़ीसा राज्य का वृक्ष कौन सा है, अंजीर का पेड़, साल, नारियल का पेड़ या चिनार का पेड़, कौन सा है जल्दी बताओ, अंजीर का पेड़, साल का, नारियल का या चिनार का। क्या आंसर आएगा, अंजीर। अच्छा वो कौन सा राजा था, चलो बताओ तो मेरे पुराने स्टूडेंट, वो कौन सा राजा था जो ईरान से शराब व अंजीर मंगवाता था। जल्दी बताइए वो कौन सा राजा था जो ईरान से क्या मंगवाता था, शराब और अंजीर, जल्दी बताओ तो। भारत में एक ऐसा राजा था जो ईरान से शराब और अंजीर मंगवाता था, बताइए मेरे धुरंधरों। आ जाए करो, टीपू सुल्तान, नहीं क्या बात है, मतलब आप इतिहास और खंगालो बेटा लोगों। ये थे बिंदुसार, कौन थे ये बिंदुसार, किसके लड़के, चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के, किसके पापा, अशोक के पापा, अशोक के अलावा इनके 99 और बच्चे थे, 100 बच्चों के पापा थे ये तो बिंदुसार। ठीक है, वाह शाबाश। ठीक है, उड़ीसा का राज्य के फूल है, पलाश, पेनी, अशोक या कनिकोना। क्वेश्चन आया है और इनके दरबार में डाइमेकस आया था ईरान से, ये याद रखना, बिंदुसार अशोक के पापा है ना। जल्दी बताओ क्या आएगा इसका, अशोक याद रखेंगे। अब आते हैं हीरा कुंड बांध स्थित है, हीरा कुंड
मलकानगिरी, संबलपुर, कोरापुट, खोरदा। जिला पूछा है, ये क्या पूछा है, जिला पूछा है कि हे कहां, किस जिले में आता है, हीराकुंड किस जिले में आता है, जल्दी बताओ। ठीक है, हीराकुंड बांध किस में आता है, संबलपुर जिले में, किस में आता है दोस्तों, संबलपुर जिले में आता है, बी संबलपुर जिले में मिलेगा, हीराकुंड बांध किस में मिलेगा, संबलपुर जिले में, आपको याद रखना है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड संदीप, सालू, भगवती, सब वेरी गुड। भीतर कन्निका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उड़ीसा, राजस्थान, केरल या इनमें से कोई नहीं। सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन है कि जो राज्य पढ़ा रहे हैं सर उसमें से तो आएगा ही, और भीतर कन्निका उड़ीसा, यहाँ को क्या मिले, ऑलिव, ऑलिव रिडले, कछुए क्या है, कछुए और मगरमच्छ, और क्या मिले आपको, मगरमच्छ मिले इधर। उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, क्या आएगा इसका आंसर, ओडिसी। ओडिसी का होता है उड़ीसा, कथकली, कथकली केरल, कुचिपुड़ी, कच्ची पुड़ी, आधी पुड़ी कच्ची रह गई, आधी पुड़ी कच्ची रह गई आंध्र प्रदेश, आधी पूड़ी मत खाया करो, आधी पूड़ी मत खाया करो, ये कच्ची, मणिपुरी, मणिपुर, सारे लिख दिए हमने बस। अगला, उड़ीसा के पूर्व राजधानी क्या है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, शिमला, कटक, पटना। पूर्व उड़ीसा की मतलब उड़ीसा में पूर्व जगह पर राजधानी किसको बताया गया, आधी पूड़ी इसलिए नहीं खाना क्योंकि कच्ची पूड़ी खाओगे तो पेट दुखेगा, तो कच्ची पूड़ी नहीं खाना, आधी पूड़ी कच्ची रह गई। ठीक है, कटक, कटक में अपने देखा था कलिंगा स्टेडियम, क्या आएगा, कलिंगा स्टेडियम। उड़ीसा के पश्चिम में कौन सा राज्य, झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, गोवा राज्य, इनमें से कोई नहीं। पश्चिम में कौन सा है, झारखंड, पश्चिम में, उड़ीसा के पश्चिम में कौन सा राज्य, सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन है मेरे धुरंधरों, जल्दी बताओ। अभी एक और क्वेश्चन बाकी है काव्या, वो भी कंप्लीट करके जाओ, फिर 3 बजे मिलेंगे आज, आज 3 बजे अपन और अच्छी चीज करेंगे, आज 3 बजे, कल मैंने पूरा टैक्स सिस्टम समझाया था पूरा, इतना डिटेल में गए थे कि हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाए थे, और आज हम लेके आ रहे भारत की कृषि, और भारत की कृषि को बहुत अच्छे से समझेंगे डिटेल में। छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही, क्या आएगा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अब देखिए, भारत में बिजली उत्पादन और वितरण का निजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है, बिजली उत्पादन और निजीकरण, बिजली उत्पादन के वितरण और निजीकरण करने का पहला राज्य कौन सा है, तो अभी वही देख रहे हैं, उड़ीसा, क्या आएगा, उड़ीसा। जल्दी बताओ, कितने नंबर आए भैया, जल्दी बताओ। ठीक है, तो कितने नंबर आए, 10 में से कितने आए, जल्दी बताओ, 10 में से 10 है क्या, कितने नंबर है आपके, कितने हुए, जल्दी बताओ।
ठीक है भाई, उड़ीसा की नवीन योजनाएं देख लेते। किसी ने मेरे को बोला था करंट अफेयर भी पढ़ा दो, तो आपको याद है बीजू याद है, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना कहां पर अभी हाल ही में ये कहां लागू हुई है आपको याद रखना है, कहां लागू हुई है, ठीक है, ये उड़ीसा में लॉन्च हुई है आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये भी कहां मिलेगी आपको, उड़ीसा में मिलेगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी कहां मिलेगी, उड़ीसा में मिलेगी आपको, ठीक है। सेवा शिक्षा अभियान ये भी कहां मिलेगा आपको, ये भी आपको मिलेगा उड़ीसा में ही मिलेगा, आपको याद रखना है, बहुत आईएमपी है, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग आपको याद रखना है, ये एंटरप्राइजेस स्कीम, तो ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम जो है, यहां लिख देता हूं, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग योजना भी कहां चालू हुई, उड़ीसा में ही चालू हुई, आपको याद रखना है। एक और थी यहाँ की समर्थ योजना, ये भी लिख लेना, समर्थ योजना आपको याद रखना है, समर्थ योजना, उड़ीसा का बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सेवा शिक्षा अभियान, फूड प्रोसेसिंग, ये सब यही है, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, वो भी माइक्रो वाला, वो भी आपको याद रखना है, कहां का ऐसा वैसा नहीं, वो माइक्रो वाला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये सब आ जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। हाँ, उत्कर्ष योजना, वो भी यहीं की है बेटा, बहुत सारी योजना यार, मैं जितने लिख रहूंगा, उत्कर्ष योजना, कितनी सारी योजना लिख दी, बस खुश बेटा, करंट अफेयर्स के वाले लड़ना नहीं बेटा, बातचीत मत करो, यहां देखो, ठीक है। उड़ीसा की आपको बीजू, राष्ट्रीय गोकुल, सेवा शिक्षा, फूड प्रोसेसिंग, उत्कर्ष, स्वनिधि, समर्थ, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, ये सब कहाँ की है, उड़ीसा की योजना है। तो चलिए, आपको कैसा लगा देवेंद्र सर का भैया भारत दर्शन उड़ीसा वाला सेशन, कल भारत दर्शन में नया राज्य लेके आएंगे, नई उमंग, नई तरंग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, औरों को भी खुश रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, मिलते हैं 3 बजे, हम इथिक्स में लेके आएंगे भारत की कृषि, जय हिंद जय भारत।